चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ गार्लिक ब्रेड। स्टफ गार्लिक ब्रेड के लिए हमें चाहिए गार्लिक, अमूल सॉल्टेड बटर 50 ग्राम्स, मोजरेला चीज, बॉइल कॉर्न्स, ब्रेड स्लाइसेस, चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप जो ये डोमिनोज के साथ मिलते हैं ये भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ग्राइंडर है, इसमें मैं ये सारे गार्लिक डाल दूंगी। मैंने सारे डाल दिए। और इसे पतले पतले क्रश कर दूंगी। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें से ये सारे गार्लिक इसमें हम निकाल देंगे और इस बाउल में डाल देंगे जिसमें हमारा बटर था। ये मैं सारा निकाल दिए गार्लिक, सारा गार्लिक इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। गाइस, जो हमारा ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है ये हमारी हार्डली 3-4 मिनट्स लगती है बनाने में, बहुत ही टेस्टी होती है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसमें हल्का सा ऑरिगेनो डालेंगे। अब इसे एक बार फिर दोबारा से मिक्स करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पर हमने जो हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए थे उस पर हम इसे स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने मोज़रेला चीज डालना है। बीच में हम फिल करेंगे मोज़रेला चीज, ये हमने चीज फिल कर दिया। इसमें हम हमारे बॉइल कॉर्न्स थे वो हम डाल देंगे और इसको हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हमने इसके आउटर में भी जो हमारा ब्रेड जो हमने ये पेस्ट बनाया था ये लगा देंगे। गार्लिक बटर पेस्ट जो हमने तैयार किया था ये हम स्प्रेड कर देंगे। तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो हमारा गार्लिक बटर था हम इसमें जो हमने ऐसे करके बनाया था इसे हम इसमें रख देंगे इस तरीके से। और एक साइड को हम धीमी आंच में पकाएंगे। जिस तरीके से हमने इसके बैक साइड में लगाया था बटर, यही वाला पेस्ट हम इसके फ्रंट में भी लगाएंगे। ऑरिगेनो सीज़निंग डाल देती हूँ। हमारी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। अब हम फ्लेम अपनी ऑफ कर देंगे। तो मैंने इसको निकाल दिया है, अब मैं इसको पिज्जा कटर के थ्रू काट के दिखाती हूँ आपको कैसा आप बनाए। सो इट्स रेडी टू सर्व। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।